बता दें इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से आ रही है, जहां दुकानों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है और इन सब घटनाओं में शॉर्ट सर्किट इसका मुख्य कारण बना हुआ है, जिसके चलते इस तरह के अग्निकांड सामने आ रहे हैं। उसी क्रम में आज दोपहर झांसी जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बगल में एक और दुकान को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। आग भड़कते देख आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। पलक झपकते ही लोगों की लपटों ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाने के काफी प्रयास किया। आग को बेकाबू देखकर सेना की फायर ब्रिगेड को भी मौके पर बुला लिया गया। सेना और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगातार जुटी रहीं। यह गनीमत रही कि समय रहते शोरूम के अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। सेना और फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया गया, जिसके आसपास की दुकानों में आग लगने से बच गई, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस अग्निकांड में लाखों की क्षति हुई है और आग लगने का कारण मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, जिसकी जांच अभी चल रही है। झांसी से सुमित साहू के साथ निधि पटेरिया की रिपोर्ट। झांसी में लगातार ये आग जो बिजली बार बार ट्रैप हो रही उसके कारण लड़ रही, शॉर्ट सर्किट उसी वजह से होता है। एक घंटे लाइट आ रही, एक घंटे लाइट जा रही और प्रशासन संवेदनशील नहीं है। ये पहली घटना नहीं है, छठवीं घटना है। यहाँ तक कि हसारी पावर हाउस में भी आग लगी। जब बार बार बिजली आएगी जाएगी तो उससे जो इन्वर्टर है और जो बैटरी है वो फ्लक्चुएट होगी, तो ये इस पर प्रशासन को एक हाई पावर्ड मीटिंग बुलाना चाहिए। सीपरी बाजार में लगी।